तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार? तो क्या आपको लगता है कि पबजी की तरह बीजीएमआई भी कभी ऑप्टिमाइज हो पाएगा? अरे मेरा कद्दू कद्दू मेरा बहुत टाइम से हाइप बन रही है कि पबजी मोबाइल इंडिया में फिर से एक बार अनबैन होने वाला है। इसी से रिलेटेड यार डायनेमो भाई ने भी बहुत कुछ अपने लाइव स्ट्रीम में बोल चुके हैं, जो कि मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। सिर्फ दो ही बार होती है, एक तो तब होती है जब आप कुछ एक बड़ी चीज का प्लान कर रहे हो, बड़े अपडेट का, बहुत बड़े अपडेट का प्लान कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आप पूरा डेटाबेस चेंज करने वाले हो, यू नो प्लेटफॉर्म चेंज करने वाले हो, जो कोर बेस होता है ना जहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं वो चेंज करने वाले हो, तब तब तो या तो ऐसी चीजें होती हैं, या तो तब होती है भाई जब आपके लगने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा बीजीएमआई में आजकल क्या क्या चल रहा है। ये तो टट्टी है। सो बीजीएमआई में इतने ग्लिचेज और इतने प्रॉब्लम झेलने के बाद फाइनली डायनेमो भाई ने इसके ऊपर कुछ बातें बोली, जिससे प्लेयर सोच रहे हैं कि पबजी इंडिया में दोबारा अनबैन हो सकता है। तो इस चीज से रिलेटेड मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ आगे की वीडियो में। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो का एम रखते हैं 500 लाइक्स का। आई होप सो यार आप लोग करा ही दोगे। बिना टाइम वेस्ट किए अपन बढ़ते हैं सीधे वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं बीजीएमआई के ग्लिचेज और प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो इस चीज से रिलेटेड डायनेमो ने अपनी लाइव स्ट्रीम पर बहुत सारी बातें की थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ऐसे प्रॉब्लम्स गेम में दो रीजन की वजह से आ सकते हैं। पहला तब जब सर्वर के ऊपर डेवलपर्स काम कर रहे हो, या फिर तब जब गेम का सर्वर धीरे धीरे डेड होते जा रहा हो। तो गेम का सर्वर तो डेड होने से रहा, क्योंकि अगर बीजीएमआई का सर्वर ही डेड हो जाएगा तो फिर इनकी कमाई होगी कहाँ से? जा पूछ क्या। So, जो पहले वाला पॉइंट डायनेमो भाई ने बोला था, मे भी हो सकता है बीजीएमआई के सर्वर में कुछ बड़ा चेंज आ जाए, सर्वर चेंजेस तक पॉसिबल हो सकता है, बट इंडिया में बीजीएमआई के होते हुए भी पबजी का इंडिया में दोबारा से अनबैन होना, इसके बारे में आप दूर दूर तक मत सोचो। तो पबजी कैर इंडिया में दोबारा से अनबैन होना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, और ग्लोबल लॉबी कैर तुम दोबारा सोचना भी मत। किया जिस चीज के लिए पबजी को इंडिया में बैन किया गया हो, उस चीज को इंडिया में दोबारा से अनबैन क्यों ही करेंगे? और क्राफ्टन को भी पता था यार पबजी इंडिया में कभी अनबैन होने वाला नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने इंडिया के लिए बीजीएमआई बनाया था जो कि पबजी के कॉपी पेस्ट पर चलता है। और उसके बाद यार अपन बढ़ते हैं सीधे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सो क्या बीजीएमआई आगे चलकर डेड होने वाला है? तो मेरे को तो नहीं लगता यार कि आगे जाके बीजीएमआई डेड होने वाला है, क्योंकि बीजीएमआई का इंडिया में इतने बड़े बड़े ऑफिशियल टूर्नामेंट हो रहे हैं जिनके गियर व्यूअरशिप बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि उसमें इंडिया के बेस्ट बेस्ट लाइनअप रहते हैं, जैसे कि गॉड लाइक, टीम एक्सपार्क और टीम सोल। इन लाइनअप्स की फैन बेस बहुत नेक्स्ट लेवल है इंडिया में, जिसकी वजह से यार ऑफिशियल टूर्नामेंट की व्यूअरशिप आज भी बहुत हाई रहती है। तो मुझे तो नहीं लगता यार अगले 1-2 साल में बीजीएमआई डेड होने वाला है। जिस हिसाब से गेम चल यार बहुत से पुराने प्लेयर गेम को धीरे धीरे लीव कर रहे हैं, बट इंडिया में बहुत से प्लेयर ऐसे भी हैं जो एक ई स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहते हैं और वो बीजीएमआई में काफी ग्राइंड कर रहे हैं, बट बीजीएमआई में बहुत से प्रॉब्लम्स देखने को मिलती रहती है। मे भी हो सकता है कुछ बड़ा अपडेट आने वाला होगा, इसकी वजह से यार गेम में इतने ज्यादा सर्वर इश्यूज आ रहे हैं। बाकी बीजीएमआई के ऑफिशियल ने कुछ नोटिस दे दिया है, जो कि प्लेयर को 10 ईयर का बैन पड़ रहा था। अब वो क्यों पड़ रहा था उन्होंने इस पोस्टर के थ्रू बता दिया है। जो रिसेंटली जितने भी बीजीएमआई आईडी बैन हुए हैं उन अकाउंट्स को टारगेट किया गया है जो कि यार चीट और हैक्स करते थे। इसके बारे में यार डायनेमो भाई ने भी बताया होगा, कई बंदे यूसी लेकर रिफंड कर लेते थे अपना केस, उस चीज से रिलेटेड भी यार बहुत सारे अकाउंट को बैन पड़ रखा है। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर आपने कुछ चीट नहीं किया होगा तो आपके अकाउंट पे बिल्कुल भी बैन नहीं पड़ने वाला है। आप सो आज के लिए इतने यार, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक क्लियर बाय।